हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज है 28 जुलाई 2024 और आज की 30 अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। चलिए शुरू करते हैं पहले अपडेट के साथ। तो दोस्तों, ये HP की तरफ से नोटिफिकेशन है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। इनका PDF मैं टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करवा दूँगा। जैसे मेरिट लिस्ट है कहीं की एडमिशन से रिलेटेड नोटिस है, तो वो आप ये चेक कर लीजिएगा। कहीं की काउंसलिंग होगी, है ना, कहीं का फीस की डेट होगी, तो सारा आप चेक कर लीजिएगा। 24-25 नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक है। इन सभी का PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, टेलीग्राम के ऊपर मैं इनको अपलोड कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट अपडेट। पुनर्नियुक्ति पर अंतिम मूल वेतन का 50% तक होगा दे। सरकार ने तय की सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवाएं लेने की शर्तें एक बार में एक वर्ष तक ही होगा सेवा विस्तार। पुनर्नियुक्ति पर पहले देते थे भारी भरकम वेतन, निर्धारित पारिश्रमिक पर महंगाई भत्ता दे नहीं, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए मानदंड होंगे लागू। तो यहाँ पे जो है दोबारा से ये जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं यानी कि रिटायर हो चुके हैं, उन्हीं को दोबारा ये रखने की तैयारी यहाँ पे हो रही है। और उनको जो है 50% जो उनका बेसिक था लास्ट, जैसे जब वो रिटायर हुए उनका बेसिक जितना भी होगा उसका 50% उनको मिलेगा। दोस्तों ये यहाँ पे पता नहीं क्यों जो रिटायर हो चुके हैं उन्हीं को बार बार ये यहाँ पे रख रहे हैं, और जो टेस्ट दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका कोई रिजल्ट ना कोई इनकी एडवर्टीजमेंट नहीं आ रही है। आ रही है तो बहुत ही कम, वो भी HPSC और जो HPSC की तरफ से जो निकलती थी एडवर्टीजमेंट या जो नौकरियां लगनी थी वो अभी तक उनको नहीं लग पाई हैं। वो जो रिटायर हो चुके हैं उन्हीं को बार बार रोज़गार दिया जा रहा है। जैसे किसी की सैलरी अगर 30,000 होगी बेसिक, तो उसको 15,000 रुपये सैलरी मिलेगी, और जो नए बंदे रखेंगे बाई चांस उनको मिलेगी 12,000 कुछ रुपये, चाहे वो कंडक्टर हों, JO हों, क्लर्क हों, तो उनका बेसिक के हिसाब से 12,000 उनको मिलेगी, और जो रिटायर हो चुके हैं उनको उनसे ज़्यादा सैलरी मिलेगी। तो ये यहाँ पे पुनर्नियुक्ति पर इन्होंने ये कहा कि 50% तक का दे इनको होगा मिलेगा। हो सकता है किसी की बेसिक ज़्यादा हो तो उनको उस हिसाब से ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट ये रही, न्यूनतम बस किराया 12 रुपये करने की तैयारी, HRTC की आय बढ़ाने, निजी ऑपरेटरों की मांग पर किराया बढ़ाने की कवायद। परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर उप मुख्यमंत्री के साथ हो चुका है विचार, मंत्रिमंडल की बैठक में किराया बढ़ाने पर अंतिम फैसला लेगी सरकार। रिटायर्ड कार्ड दोगुने, स्कूल बस पास में 50% बढ़ोतरी, सब चीज़ों में बढ़ोतरी यहाँ पे की जा रही है। जो स्कूल के बस के पास बनते हैं उसमें भी 50% की बढ़ोतरी, और यहाँ पे न्यूनतम जो मिनिमम बस किराया है उसको 12 रुपये करने की तैयारी यहाँ पे हो रही है। तो ये यहाँ पे कहा गया है, बाकी देखते हैं कब तक ये होता है या नहीं होता है, वो तो बाद में पता चलेगा, बट तैयारी इसकी हो रही है। मिनिमम आप जितना भी जाओगे 12 रुपये तो आपके लगेंगे ही लगेंगे, चाहे आप 100 मीटर जाओ, 200 मीटर जाओ, 300 मीटर जाओ, वो मिनिमम देखते हैं कि कितना होगा, तो उससे 12 रुपये आपके लगेंगे ही लगेंगे, ठीक। अभी पूरा फाइनल इसका नहीं हुआ है, जब भी फाइनल होगा बता दिया जाएगा, इन्फो आएगी तो बता दिया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट ये रही, केंद्रीय बजट से हिमाचल को मिलेंगे 10,351 करोड़ रुपए, हर्ष मल्होत्रा। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री बोले आपदा के लिए पिछले साल से ज़्यादा मदद देंगे। नेक्स्ट अपडेट ये रही, कल से रफ्तार पकड़ेगा मॉनसून, आज भी बारिश के आसार, शनिवार को शिमला में हल्की, धौलाकुआं, नाहन, धर्मशाला और हमीरपुर में तेज बारिश, 29 से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। नेक्स्ट अपडेट ये रही, RTI में देरी, 2 अफसरों पर 10,000 रुपये जुर्माना, कार्यकारी और सहायक अभियंता को बताया जिम्मेदार, विभाग ने रोक लगाने से पहले 46 प्रिंसिपल किए इधर उधर। कल से ग्रीष्मकालीन स्कूल खुलते ही प्रदेश में शिक्षकों के तबादले हो जाएंगे बंद, पूजा अर्चना के साथ आज शुरू होगा चंबा मिंजर मेला, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल विधिवत करेंगे आगाज। नेक्स्ट अपडेट ये रही, अग्रवीर बनने का मौका, आज आवेदन करने का आखिरी दिन, 18 अक्टूबर से शुरू होगी ऑनलाइन परीक्षा, वेब पोर्टल पर करें पंजीकरण। नेक्स्ट अपडेट, टैट की आवेदन फीस दोगुना करना, बेरोजगारों से मिजाक, SFI। संजौली कॉलेज में MA अंग्रेजी में 30 सीटों के लिए आए 40 आवेदन। नेक्स्ट अपडेट, जेल बॉर्डर के 91 पदों के लिए परीक्षा आज, अभ्यर्थियों को सुबह 10 बजे पहुँचना होगा परीक्षा केंद्र, परीक्षा दोपहर 12 बजे से इन केंद्रों पर ही परीक्षा होगी। नेक्स्ट अपडेट, SPO में गेस्ट फैकल्टी के साक्षात्कार अब 2 अगस्त से होंगे। इसके अलावा जूनियर नेशनल बुशु स्पर्धा में दिया विश्वास ने जीते मैच।
नेक्स्ट अपडेट, परिणाम न आने से बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग अटकी। तो यहाँ पे हर साल जुलाई में हो जाती थी काउंसलिंग, इस बार परिणाम ही नहीं निकाल पाया। विश्वविद्यालय कक्षाएं भी देरी से होंगी शुरू। तो ये दोस्तों आज की अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।